एक्सरसाइज 7.8। अब क्वेश्चंस करेंगे। देखो एक चीज है, ये जो क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा अभी, इंट्रो पार्ट पहले देख लो, बिना इंट्रो के समझ नहीं आना बिल्कुल भी ये, ठीक है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये एक्स का है भैया डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी, ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला दो तीन बार लिखूंगा आपको याद हो जाएगा, वो होता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस टू एच प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस वन इन टू एच। बट एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन इससे नहीं किया गया। उन्होंने कैसे किया है, उन्होंने इस फॉर्मूले का यूज किया है, ए टू बी एफ। इसीलिए मैंने इंट्रो पार्ट में पहला एग्जाम्पल दोनों तरीके से बताया है। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, एच की वैल्यू क्या होती है, बी माइनस ए अपॉन एन, और बाकी सब कुछ यही वाला लिख दो पूरा। क्यों, जब h टेंड्स टू जीरो होगा तो n किस तरफ टेंड्स होगा, इनफाइनाइट, क्यों, n क्या नंबर ऑफ स्ट्रिप, ठीक है। इसीलिए कहा था इंट्रो पार्ट डील, दोनों से मैंने एग्जांपल पहला करके दिखाया था, देख लेना। मुझे ये इसलिए सिंपल लगा क्योंकि 11th क्लास में लिमिट और डेरिवेटिव में h टेंड्स टू जीरो वाले ज्यादा क्वेश्चन किए हम लोगों, तो हम लोग उससे क्या फेमिलियर है, इसलिए चलो जल्दी सब देखते हैं। अब कंपेयर करेंगे यार, ए तो देखो ए ही है, बी क्या हमारे पास, बी है एफ एक्स, हमारे पास क्या एक्स, इसको लिख देते हैं। चलो एफ एक्स हमारे पास क्या दिया गया, एक्स दिया गया है, और एच का फॉर्मूला क्या होता है, बी माइनस ए अपॉन एन। तो क्या भैया जो एच एन है, एच एन है क्या वो बी माइनस ए हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए, पक्की बात है। चलो अच्छा आ जाओ, चलिए अब देखते चल, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच। अच्छा एफ ए, देखो ए जो है, ए क्या होता है, ए की जगह ए ही तो है इस क्वेश्चन में, ए की जगह ए है और बी की जगह बी है। चलो अगर हमारे पास एफ एक्स एक्स है तो एफ ए क्या होगा, ए हो जाएगा, यस और नो। अरे भैया एक्स की जगह ए पुट कर दो, तो यहां भी करेंगे ऐसी, एफ ए प्लस एच क्या होगा, ए प्लस एच, ऐसे ये क्या होगा, ए प्लस टू एच डॉट 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 प्लस ए प्लस एन माइनस वन इन टू एच, यही तो हो जाएगा। अब सुनो, ए इसमें भी है, स्टम में भी है, इसमें भी है, इसमें भी, अप टू सो ऑन है, तो क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, दो ए प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट एन टाइम्स तक, ठीक है ना। तो ये तो अलग लिख दो। चलो अब देखो क्या बचा, इधर इधर बचा क्या बचा, एच प्लस टू एच प्लस थ्री एच प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस वन इंटू, ये अलग बचा, ठीक है सर। चलो तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब देखो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितनी बार है, एन बार है, तो एन ए आंसर आ जाएगा इसका, बात समझ आ रही ना, कल बताया था। जैसे मान लो वन प्लस वन प्लस वन कितनी बार है, फोर बार है ना, तो फोर इंटू वन, ऐसी एन बार है, एन इंटू वन, तो ए कितनी बार, एन बार है, तो एन इंटू है, ठीक है। अब देखो यहां से एच कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचा, वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट 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 एन माइनस वन, ठीक है सर, चमका। अरे बताओ ना कोई डाउट है क्या, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, अब देखो ये हो गया एन ए, ठीक है, प्लस एच बाहर था, वन प्लस टू प्लस थ्री, भैया ए पी बन रही है, ए पी इस वन प्लस टू प्लस थ्री का फॉर्मूला क्या होता था, एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, क्लियर है। चलो एक चीज मैं बता ही देता हूँ, या तो देखो यार, या तो आप ए पी से इसका सॉल्व कर लेना, अदरवाइज कुछ फॉर्मूले जो आपको याद करने पड़ेंगे इसके लिए, वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट एन टाइम्स तक का फॉर्मूला होता है, एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। अगर स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला होता है एन एन माइनस वन टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स। अगर क्यूब है, वन क्यूब टू क्यूब थ्री क्यूब एन के, तो क्या होता है, जो वन प्लस टू प्लस थ्री वाले को लिख दो पूरा और उसका कर दो होल स्क्वायर,
ये हम लोगों ने पीएमआई क्लास 11 चैप्टर 4 में पढ़ा था, ठीक है सर। तो 1+2+3 का ये आ गया, क्लियर है। अच्छा टारगेट क्या होता था, हमारा टारगेट होता था एनएच बनाने का, क्योंकि एनएच की वैल्यू हमारे पास होती थी, तो एच का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो अंदर जाएगा एन ए एच हो जाएगा, देखो एन ए एच प्लस, अब इस एच का एच के साथ होगा तो क्या होगा, एच स्क्वायर और एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। चलिए अच्छा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एन ए एच प्लस एच की पावर क्या है, टू है, तो एक बार एच इसके साथ लिख दो, एक बार एच के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एन एच बन जाएगा, तो एन एच हो गया। तो एक एच मैंने इसके साथ लिख दिया, एक एच अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा एन एच माइनस एच अपॉन टू, क्लियर है। अब जो एन एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी माइनस ए, तो उसको रखो एन एच की जगह, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एन एच, एन एच की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे भैया, बी माइनस ए, तो b माइनस ए और a के हमारे पास पहले से इसका, ठीक है सर, प्लस nh कितना हमारे पास, b माइनस ए अंदर कितना है, b माइनस ए और माइनस का h अपॉन, अब रख दो भैया h की जगह जीरो, h की जगह जीरो, तो केवल यही चीज जीरो होगा बस, तो इधर कितना बचा हमारे पास, a b माइनस ए प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर और अपॉन, नहीं नहीं पूरे का नहीं है, केवल इतने के अपॉन है, इतने के तो है ये अपॉन टू, क्या बात समझ आई। कायदे में आंसर ये भी आ गया, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन कर देते हैं। यहां से देखो यार हमारे पास क्या b माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो b माइनस ए ये भी, b माइनस ए ये भी, तो b माइनस ए कॉमन आ रहा है, सही किया ना हमने सारा सब कुछ, ठीक है। तो हमारे पास क्या b माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचा a और इधर कितना बचा b माइनस ए अपॉन टू, टू इसके आएगा, ठीक है जी। तो अब देखो b माइनस ए एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा टू, तो अंदर कितना जाए टू ए प्लस b माइनस ए, तो एक ए से एक ही कट भैया सही हो जाएगा हमारे पास, तो b माइनस ए और अंदर कितना बचा b प्लस ए अपॉन टू, तो आ गया b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, आंसर चेक करो भाई सही है। देखो डेफिनेट इंटीग्रल के जो आंसर है वो सेम आएंगे, इनडेफिनिट के हर बच्चे का अलग अलग आ सकता था, इंट्रो पार्ट में बताया था। अच्छा और एक चीज देखो, और एक चीज देखो, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन यहां तक सॉल्व किया था, मान लो मैं बता रहा हूं, अब एच टेंस टू जीरो आप हर जगह एच की जगह जीरो पुट कर दो, तो आंसर देखो जीरो आएगा, और जीरो तो आंसर होता था। 11th क्लास में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में हमने पढ़ा था कि जीरो अपॉन जीरो जो होता था वो इनडिटरमिनेट कंडीशन होता था, उसके बाद लॉजिक लगाते थे, लेकिन अगर जीरो आता था तो वो आंसर होता था। अब यार अगर आप यहां एच की जगह जीरो रख दो तो जीरो आंसर आ जाएगा, जीरो तो आंसर है, सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया। भाई साहब डेफिनेट इंटीग्रल बताता गया एरिया अंडर द कर्व, अगर एरिया कभी जीरो हो ही नहीं सकता, अगर मैं कह रहा हूं अगर कर्व इतना सा भी है तो भी इसके नीचे एरिया तो होगा कुछ ना कुछ, एरिया जीरो कब होगा, जब वो एक पॉइंट होगा, यस और नो, और ये तो फंक्शन है हमारे पास, क्या बात समझ आ रही है ना, इसलिए हम ये कर नहीं सकते, वरना तो आप यहां रख दो कहीं भी, देखो यहां पे रख दो एच की जगह जीरो, पूरा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा क्या, लेकिन ये एच जीरो है नहीं ना, एच क्या है टेंस टू जीरो, एच क्या है टेंस टू जीरो, क्या चमका। चलो यार ये थोड़े लेंदी लेंदी बट करेंगे कोई नहीं, ठीक। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यार फॉर्मूला चलो मैं लिख देता हूँ, दो तीन बार लिखेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच, इसका मैंने प्रूफ तक बताया इंट्रो पार्ट में, एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, क्या चमका। चलिए अब कंपेयर करते हैं, ए क्या होता था हमारे पास लोअर लिमिट जीरो, बी क्या होता था हमारे पास अपर लिमिट फाइव, ठीक है सर, और एच क्या होता था b माइनस ए अपॉन एन, तो देखो भैया एच b माइनस ए फाइव से जीरो गया कितना आया फाइव अपॉन एन, तो एन एच इक्वल्स टू कितना हो गया फाइव, ठीक है, और फंक्शन क्या है एक्स प्लस वन तो है ही वो। चलिए भैया अब सॉल्यूशन देखो, लिमिट h टेंस टू जीरो
एच, एफ ए एक कितना भी है जीरो, तो हर जगह ए की जगह क्या पुट कर दो, जीरो फॉर्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा एच, नेक्स्ट हो जाएगा टू एच प्लस डॉट 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 डॉट, क्या हो जाएगा एफ एन माइनस वन इंटू एच। यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, केवल फॉर्मूले ए की जगह जो वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी। चलिए भैया लिमिट एच टेंस टू जीरो एच। अब एक बात सुनो, एफ एक्स क्या है हमारे पास एक्स प्लस वन, एफ एक्स क्या है हमारे पास एक्स प्लस वन, तो कह रहे एक्स की जगह क्या पुट कर दो जीरो, तो जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा वन, फिर कह रहे हैं क्या पुट कर दो एच, तो एच प्लस वन, फिर क्या पुट कर दो टू एच, तो टू एच प्लस वन डॉट 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 डॉट, अब क्या पुट कर दो एन माइनस वन इंटू एच प्लस वन। ये वैल्यू पुट करनी हमको एक्स की जगह, वन तो रहेगा साथ में क्योंकि वन तो फंक्शन में है, ठीक है जी। अच्छा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, अब देखो यार वन इस टर्म में भी वन है, इस टर्म में भी वन है, इसमें भी, अब तो सभी हर किसी में क्या वन है, तो इसको अलग लिख लो वन प्लस वन कब तक एन टाइम्स तक, ठीक है जी। अब क्या बचा देखो, वन तो चला गया, अब क्या बचा हमारे पास एच प्लस टू एच प्लस थ्री एच रहा होगा डॉट 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 एन माइनस वन इंटू एच, क्लियर है, ठीक है जी। चलो तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, अच्छा वन प्लस वन एन टाइम, तो क्या है एन इंटू वन मतलब एन, एच कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचेगा वन प्लस टू प्लस थ्री एन माइनस वन, क्लियर है जी, कोई डाउट? चलो चलो हिंस कर देते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, चलिए तो एन है ठीक है जी, ये एच है, अब ये वन प्लस टू प्लस, अभी फॉर्मूला बताया था क्या होता है एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, अगर फॉर्मूला याद ना हो तो ए पी से एस एन का फॉर्मूला लगा दियो, ठीक है। लिमिट देखने में लग रहा होगा यार बड़ा लेंदी, कुछ नहीं है वही चीज सेम सेम लग रहा है बार बार, सेम सेम नहीं वैसा वाला नहीं, अगर एच का मल्टीप्लाई कर, एच का मल्टीप्लाई कर दो ना, चलो तो ये क्या हो जाएगा एन एच, उधर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, एन एच की वैल्यू कितनी भैया फाइव, अब फाइव पुट करेंगे तो देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो एन एच प्लस एच की पावर क्या है टू, एक बार एच इसके साथ और एक बार एच इसके साथ, तो एन एच हो गया, जब एक एच अंदर जाएगा तो एन एच माइनस एच अपॉन टू, अब भैया कुछ नहीं करना है एच की जो एन एच की जो वैल्यू वो पुट कर दो, कितनी है फाइव, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एन एच की जगह फाइव प्लस फाइव और फाइव माइनस एच अपॉन टू, अब रख दो एच की जगह जीरो, तो क्या मिलेगा हमको फाइव प्लस फाइव इंटू फाइव अपॉन टू, तो फाइव टू जा टेन पच्चीस थर्टी फाइव बाई, सही आ रहा है देख लो जरा क्लियर है, तब ऐसे ही है, अब यार लेंथ नहीं है बड़े, ये तो बच्चों वाला था, अब ठीक है। इसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा लेंदी जाएगा इसीलिए पहले से माइंड मेकअप करके चलो इसे हटाओ ना यार, इधर थोड़ा सा लग जाएगा। चलिए अब देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एफ ए एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस टू एच, सारे काम अभी होंगे। चलिए अब देखो प्लीज बेटे अब बात देखो, अब एक बात सुनो, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है टू, लोअर लिमिट होती है, बी क्या होता है अपर लिमिट थ्री, फॉर्मूला होता है एच इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन एन, तो एन एच कितना हो जाएगा बी माइनस ए मतलब वन, थ्री से टू गया कितना हो गया वन हो गया, पक्की बात है। चलो भैया अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एफ ए, ए की जगह क्या पुट करेंगे टू, जीरो क्यों पुट करो फिलो फिलो में टू प्लस, फिर ये टू प्लस एच प्लस डॉट 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 एफ ए की जगह टू एन माइनस वन इंटू एच, क्लियर है जी। चलिए
तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच। अच्छा देखो यार एफ एक्स क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो एफ टू क्या होगा टू का स्क्वायर मतलब फोर। अब टू प्लस एच क्या होगा टू प्लस एच का होल स्क्वायर। अगला क्या रहा होता अगर होता तो यहाँ पे क्या होता यहाँ पे टू प्लस टू एच, क्योंकि तो एच टू एच ऐसे होता ना इसका होल स्क्वायर होता। क्लियर है ना जी। अच्छा अब इस पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर, इस पूरे का क्या होगा अरे क्लियर है ना यार। देखो एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स एक्स की जगह ये पुट कर दो पूरे का होल स्क्वायर कर दो। क्या कम का जी, चलो थोड़ा सा लेंदी होगा बट आ जाएगा। ये हो गया फोर, चलिए टू का स्क्वायर फोर, और ये क्या हो गया एच स्क्वायर प्लस फोर एच। ऐसे यहाँ पे करेंगे टू का स्क्वायर फोर प्लस फोर एच स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर टू जा एट एच डॉट 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 टू का स्क्वायर फोर प्लस एन माइनस वन एच का होल स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर एन माइनस वन इन टू एच। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए लिमिट एच टेंस टू जीरो फोर लेंगे नेक्स्ट लाइन में कॉमन, थोड़ा सा प्रोसेस सही सा कर देते हैं इसका फोर। ठीक है इसको ऐसे लिखेंगे एच स्क्वायर प्लस फोर एच, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो क्योंकि थोड़ा मजा सा आएगा फिर। और फोर एच स्क्वायर प्लस एट एच प्लस फोर, ठीक है जी। अब यार भाई साहब क्या करो इसका, ये तो फोर है ही, चलो अब एन माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस ये क्या होगा मैं फोर एच एन माइनस वन, और इस फोर को सबसे एंड में लिख दो जैसा मैंने चाह रहा था। क्लियर है, मतलब क्या होगा जिसकी पावर टू इसको पहले फिर एच फिर उस टाइप, ठीक है जी। अब देखो यार इस टर्म में भी फोर है, इसमें भी फोर है, और इस टर्म में भी फोर है, और देखो एकदम एंड में गए उसमें हमको फोर मिला। हर टर्म में फोर अलग से हमको मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। तो वहां के जो सारे फोर हैं ये एक तरफ लिख दो पास पास। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच फोर प्लस फोर प्लस फोर एन टाइम्स तक। अब देखो अब मैं बात करता हूं फोर एच एक एक करके, अब मैं बात करता हूं फोर एच की, फोर एच एट एच और एच वाला इसमें क्या है ये रहा। क्लियर है जी। तो क्या कॉमन आ रहा है, फोर एच कॉमन नहीं आ रहा क्या? देखो यार फोर एच एट एच और फोर एच एन माइनस वन क्या कॉमन आ रहा है, फोर एच कॉमन आ रहा है। तो यार अंदर कितना बचा वन प्लस टू, पक्की बात है थ्री रहा होगा, और डॉट 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 एन माइनस वन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट में कॉमन देखते हैं, देखो क्या है भाई इससे भाई साहब इसमें। देखो यार एच स्क्वायर क्या है ये एच स्क्वायर फोर एच स्क्वायर और ये n माइनस वन एच स्क्वायर, इसमें से केवल एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है, केवल एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो जब एच स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो अंदर कितना बचेगा वन प्लस फोर, फोर को लिख सकते हैं टू का स्क्वायर और वन को लिख सकते हैं वन का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, फिर ये क्या एन माइनस वन का होल स्क्वायर। क्लियर है जी, है थोड़ा लेंदी रहेगा लेकिन आ जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो है, अब थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा। देखो फोर 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 कितनी बार, तो फोर एन, ठीक है जी, ये फोर एच, वन प्लस टू का फॉर्मूला एन, एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, ये एच स्क्वायर है और वन स्क्वायर टू स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है एन एन माइनस वन टू एन माइनस वन अपॉन सिक्स। क्लियर है जी। चलो अब देखो एच का अंदर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो यह थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से ये एच हटाया, ये एच हमने यहाँ लगाया, ये स्क्वायर और ये क्यूब। क्लियर है जी। टारगेट क्या है भाई, एन एच बनाना है, टारगेट क्या है एन एच बनाना है। तो देखो कैसे बनेगा, लिमिट जीरो कौन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये देखते ना छोड़ो फ्यूचर प्लान अभी नहीं करेंगे। एन एच, अब एक बात सुनो, इसकी पावर क्या है टू, तो एक एच इसके साथ और एक एच इसके साथ, एच की पावर कितनी थ्री, एक बार एच इसके साथ इसके साथ इसके, यही तो भैया करते आए हम लोग, ठीक है। इतने में आ नहीं पाए, मैं ऊपर जगह लेता हूँ।
अब देखो ये दिख रहा है, देखना जरा बच्चों को, ये दिख रहा है yes, चलो फिर ठीक है। अब देखो जरा प्यार से 4NH, अब सब ना बात को जानते हैं, H की पावर क्या है 2, पहले तो ये सही करो, 2 जा 4, तो ये 2 हो गया। अच्छा H एक बार इसके साथ NH और एक बार NH माइनस एच, क्या बात समझ आई ना, एच दो थे, एक इसके साथ और एक इसके अंदर गया। अब H की पावर क्या है भैया, 3 है, तो एक H इसके साथ, एक H इसके अंदर जाएगा और एक बार H इसके साथ, तो 2NH माइनस का H अपॉन, क्लियर है। अब क्या करना है, NH की वैल्यू कितनी भैया, 1 है, वो यहाँ पुट कर, इतनी जगह देते हैं, तो देखो लिमिट H टेंस टू 0 NH, NH की जगह कितना पुट करेंगे, 1, तो ये कितना हो गया भैया 4 प्लस NH की जगह 1, तो ये कितना हो गया 2 और NH की जगह 1 माइनस H, ठीक है, प्लस NH की जगह 1 लिखो, 1 माइनस H और 2 माइनस H, NH की जगह हर तरफ 1 और अपॉन में 6, क्लियर है जी। अब रख दो भाई H की जगह 0, तो ये 4 हुआ इधर, ठीक है, इधर कितना बचा 2 बचा, एच की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 1, एच की जगह 0 कितना 2 अपॉन 6, 2 3 जा 6 और 4 प्लस 2 6, 1 अपॉन 3, भाई साहब आंसर आ जाए यार, बताओ जरा चेक करो, सही है ना, थैंक गॉड। आप ये बताओ कि सर यहाँ पर डाउट हुआ हमको, होना नहीं चाहिए यार कहीं बच्चों वाले, हम बस थोड़ा सा लेंथी तो होंगे ये, नो डाउट पहले 6 मार्क्स में आते थे ये, अब चले गए, अब दौर चला गया यार, अब क्या हो? चलो अब देखिए ये सबसे लेंदी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इसीलिए भैया थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे, बात नहीं करें यार, अब छोड़। फॉर्मूला क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 एच, मैं देखो हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्यों भाई सब प्रैक्टिस करोगे तो याद ही हो जाएगा आपको। बात नहीं। अब देखो कंपेयर करो यार, ए की वैल्यू क्या है यहां से 1, बी की वैल्यू क्या है 4 और फंक्शन हमारे पास क्या दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और हमारे पास एच क्या होता है बी माइनस ए अपॉन एन, तो बी माइनस ए 4 से बन गया 3, तो एन एच कितना आ गया। अच्छा एक चीज और बता दूं इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन को आप लोग अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर को अलग कर लो, एक्स को अलग कर लो, बीच में माइनस कर लगा दे, ऐसे भी कर सकते हो अगर लेंदी लगे, बट मैं एक साथ करूंगा, थोड़ा लेंदी जाएगा उससे और लेंदी होता, इसीलिए मैं इसी से कर देता हूँ। चलो हाँ यार लेंदी जाए क्या करें, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच, एक बात सुनो, एफ ए की वैल्यू क्या 1, तो ये कितना हो गया एफ 1, फिर क्या होगा एफ 1 प्लस एच, एफ 1 प्लस 2 एच प्लस एफ 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब देखो यार मैं एक काम करूंगा, इसी क्वेश्चन में ऐसा करूंगा, और अभी तक मैं तो डायरेक्ट करता था, क्यों एक बात सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ रहा हूँ अभी, ठीक है जी, एफ वन की वैल्यू अलग निकाल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर इसी रो में लिखेंगे तो आएगा भी नहीं, बहुत लेंथी आपको लगेगा, तो एफ वन निकालो। चलो एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एफ वन क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया भैया 0 आ गया। अब मैं कहता हूँ एफ वन प्लस एच निकालो, चलो तो देखो x की जगह क्या आएगा 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच, क्या चमका, ठीक है जी। चलो इसका स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर 1, एच का स्क्वायर एच प्लस 2 एच माइनस का 1 माइनस का एच, तो ये सही हो गया इससे, और ये कितना निकल के आया एच स्क्वायर प्लस का एच 2 एच से एच गया, तो ठीक है जी। चलिए ऐसे ही एक बार निकालते हैं f 1 प्लस 2 एच, तो क्या होगा 1 प्लस 2 एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 एच, ठीक है जी। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 4 एच स्क्वायर प्लस का 4 एच माइनस का 1 और माइनस का 2 एच, तो ये तो कट गया भैया, कितना बचा 4 एच स्क्वायर प्लस का 2 एच, क्या बात समझ आ रही है। अब ये लास्ट वाला हिम्मत करके और निकाल लो यार, हाँ करनी पड़ेगी भाई,
बात नहीं तो क्या होगा, एफ वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच, इसको निकालते हैं। चलिए क्या करेंगे, x की जगह हम लोग 1 प्लस एन माइनस वन इंटू एच रखेंगे, तो 1 प्लस एन माइनस वन इंटू एच का होल स्क्वायर और माइनस आगे सनी देव 1 प्लस एन माइनस अच्छा अब देखो चलो 1 का इसका बाद में करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, देखो एन माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस टू एच एन माइनस से। आप लोग एन माइनस वन का होल स्क्वायर ओपन मत करना, पूछो क्यों, फ्यूचर प्लान है, हमको पता है वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर ये सब आएगा ना माइनस, हाँ फ्यूचर प्लान करनी पड़ा, बात नहीं, माइनस का वन और माइनस का एन माइनस वन इंटू एच, तो माइनस वन से ये सही हो गया। ठीक है जी, तो कितना बचा इधर हमारे पास, एच स्क्वायर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, और इधर से देखो एन माइनस वन कॉमन आ रहा है, तो कितना बचा 2h माइनस एच, ये बचा, क्लियर है। हमने भैया सभी की वैल्यू निकाल ली, क्या चमका, ऐसे दिखाना पड़ेगा। अब ये सारी वैल्यू इक्वेशन वन में रखेंगे, ठीक है सर। चलिए अब देखो कितना सिंपल हो जाएगा, h, चलो भैया f1 की वैल्यू कितनी आई, जीरो, बहुत खुशी की बात है। f1 प्लस h कितना आया, एच स्क्वायर प्लस h, ठीक है जी। और 1 प्लस 2h की वैल्यू कितनी है, 4h स्क्वायर प्लस 2h, डॉट 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 डॉट, इसकी वैल्यू कितनी है, एच स्क्वायर एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एच एन माइनस वन। मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, जीरो को लिखो या फिर मत लिखो, क्लियर है ये बात, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, गुड। चलिए अब देखो यार क्या देखते हैं, एच इसमें ये रहा 2h और इधर ये रहा h, क्लियर है। तो इनसे क्या कॉमन आ रहा भाई, h कॉमन लो, चलो जब h कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, लौट फिर के जहां से चलते हैं वहीं पे आ जाते हैं, क्लियर है जी। चलिए अब देखो h स्क्वायर वाला कंसेप्ट, h स्क्वायर देखो ये रहा भाई h स्क्वायर और ये h स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन आएगा हमारे पास, एच स्क्वायर कॉमन आएगा, जब एच स्क्वायर कॉमन आएगा इधर कितना बचेगा, 1 प्लस 4 मतलब 2 का स्क्वायर, आंख बंद करके वैसे भी लगा दो, हमको पता है यार काफी क्वेश्चन कर लिए, चलो कर्ली ब्रेसेस लगा दिया करो, ठीक है सर। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 h, देखो ये तो h है, इसका क्या होगा n, n माइनस 1 अपॉन 2, ये एच स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन एन माइनस वन टू एन माइनस वन अपॉन, क्यों आया ये भैया फॉर्मूले होते ना, चैप्टर 4 क्लास 11 में खूब अच्छे से पढ़े थे। एच का अंदर क्या होगा भैया, मल्टीप्लाई होगा इस पे नस पे एस पे, ठीक है। अब एच का मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा, ये एच स्क्वायर एक होगा एच की पावर 3, वही प्रोसेस आ रहा है, देखो हर किसी क्वेश्चन एंड में आके जहां से चले थे वहीं आ जाते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू 0, अब देखो यार एक हमको NH बनाना है, क्योंकि NH की वैल्यू कितनी, 3, तो एक बार H इसके साथ लिखेंगे, एक बार इसके H की पावर 3, एक बार H इसके साथ और इसके साथ, तो देखो ये NH, अब ये H अंदर जाएगा तो NH माइनस एच अपॉन 2 प्लस, एक बार H इसके साथ NH, फिर H इसके साथ जाएगा तो NH माइनस एच और 2NH माइनस एच अपॉन 6, ठीक है जी। अब यार NH की वैल्यू पुट करो, चलो तो लिमिट H टेंस टू 0, NH की वैल्यू कितनी, 3 और 3 माइनस H अपॉन 2, NH की जगह 3, NH की जगह 3 माइनस है, तो NH की जगह 3 तो 3 टू जा 6 माइनस H अपॉन 6, अब रख दो H की जगह 0, तो रख दो एच की जगह ऊपर कितना बचेगा, 3 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 3 और 6 अपॉन 6, और 6 से 6 सही हो गया, 3 3 जा 9 अपॉन 2, 3 3 जा 9 अपॉन 1, 2 एलसीएम आया तो 9 और 9 दुनी 18, आंसर चेक करो, पक्की बात है ना, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है।
क्लियर है। देखो ये हर्ष क्या था, ये मैंने क्यों सेपरेट कर लिए, अगर आप एक लाइन में इनको लिखते सोचो कितना लेंदी हो जाता, क्या जमगा ना, तो आपको लगता बहुत लेंदी हो गया, ये कुछ नहीं था, पुट द वैल्यू गेट द आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखो अब ये e की पावर x वाले क्वेश्चन अलग आ गए, एग्जांपल में खैर बताया था, जल्दी से देखेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे इसको, सिंपल है ये, लिमिट s टेंस टू जीरो, हिमांशु ज्यादा हो रहा है भाई, a प्लस n माइनस वन, यार ये तो फॉर्मूला ही है ना, चलो छोड़ो। अच्छा a की वैल्यू क्या है भैया, माइनस वन, बी की वैल्यू क्या है वन, एफ एक्स कितना है ई की पावर एक्स, और एच कैसे निकालते हैं बी माइनस ए अपॉन एन, तो देखो एन एच कितना हो जाएगा, अच्छा देखो बी की वैल्यू कितनी है वन, और माइनस का है तो टू हो जाएगा ये, क्योंकि यार वन में से माइनस वन माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, चलो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, ए की जगह कितना भैया माइनस वन, माइनस वन प्लस एच, माइनस वन प्लस टू एच, एफ माइनस वन और एन माइनस वन इंटू एच। चलिए तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, अच्छा एफ एक्स है ई की पावर एक्स, तो एफ माइनस वन क्या होगा ई की पावर माइनस वन, ठीक है, फिर ये क्या होगा भैया ई की पावर माइनस वन प्लस एच, e की पावर माइनस वन प्लस टू एच, ये क्या होगा e की पावर माइनस वन प्लस एन माइनस वन इन टू एच, ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक, चलो लिमिट h टेंस टू जीरो h हो गया, एक बात सुनो e की पावर माइनस वन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर माइनस वन इंटू e की पावर h, सेम बेस होता है, पावर ऐड हो जाती है, ऐसे इसको लिखेंगे e की पावर माइनस वन और e की पावर टू एच डॉट 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 e की पावर माइनस वन इंटू e की पावर n माइनस वन इंटू एच। अब देखो यार e की पावर माइनस वन इसमें भी है, e की पावर माइनस वन, क्या e की पावर माइनस वन कॉमन नहीं आ रहा भैया, क्या चमका, तो e की पावर माइनस वन क्या आ रहा है कॉमन, तो अंदर कितना बचेगा वन e की पावर h e की पावर टू एच डॉट 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 e की पावर n माइनस वन इंटू एच। एक बात सुनो, क्या मैं वन को फील लाने के लिए e की पावर जीरो लिख सकता हूँ, हाँ और क्या फील आएगा कि हाँ लगे e की पावर आ गए, बहुत खुशी की बात है, हाँ बस अब बहुत बढ़िया। चलो सुनो 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 सुनो, क्या ये जीपी नहीं बन गई, yes, sir. पक्की बात है, जीपी के सम का फॉर्मूला, जीपी के सम का फॉर्मूला मैं लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, एस एन होता है ए आर एन, आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या ई की पावर जीरो, अच्छा आर क्या होता है इनका रेशियो, तो इसका डिवाइड इसके साथ होगा ई की पावर एच, और उस पर क्या लगा एन, तो एन एच हो गया, ठीक है ना, और माइनस का वन अपॉन आर माइनस वन, आर कितना ए की पावर एच माइनस वन। देखो भैया ए की पावर जीरो लिखो या फिर मत लिखो, क्योंकि ये तो क्या होता है वन होता, अगली लाइन में देखो आंसर कैसे आएगा, अगली लाइन में देखो आंसर कैसे। एक बात सुनो, जो ये एच है इस एच को यहां से हटाओ और इसके नीचे लगा दो, क्यों भैया ये फॉर्मूला होता है ए की पावर एच माइनस वन अपॉन एच का आंसर वन आता है, लेकिन कंडीशन सुन लो क्या है, जब एच टेंस टू जीरो हो, अगर वन टू थ्री है तो नहीं, लेकिन आपको जीरो ही मिलेगा इस पूरे चैप्टर में। तो चलिए तो क्या हुआ भैया हमारे पास, थोड़ा सा लिख देते हैं ई की पावर वन, अच्छा एन एच की वैल्यू कितनी है टू, तो ई की पावर टू माइनस वन अपॉन ई की पावर एच माइनस वन अपॉन एच, देखो ये तो क्या हो गया वन, और अब पूरे में रख दो एच की जगह जीरो, तो आंसर आएगा ई की पावर माइनस वन ई स्क्वायर माइनस वन, ई की पावर माइनस वन को क्या वन अपॉन ई लिख सकते हैं, देखना आंसर ये आ रहा है ई स्क्वायर माइनस वन अपॉन ई, क्लियर है, बहुत है, लास्ट क्वेश्चन और हिम्मत करके कर ही देते ना, छोड़ो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हिम्मत करके कर ही देते ना, चलो अच्छा फॉर्मूला जल्दी से लिखो,
लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच एफ एफ ए प्लस टू एच सारा हर लिया। चलो अब देखो, अब देख लेता हूँ, कंपेयर करो यार, ए की वैल्यू क्या है जीरो, बी की वैल्यू क्या है फोर, और एफ एक्स क्या है एक्स प्लस ई की पावर टू एक्स, एच क्या होता है बी माइनस ए अपॉन एन, तो एन एच कितना हो जाएगा बी माइनस ए मतलब कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए, आ जाओ जल्दी जल्दी आओ। अच्छा छोड़ो यहीं, ये अच्छा क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा ना तो इन सब की वैल्यू अलग अलग निकाल लेते, जैसे क्वेश्चन फोर में गया था तो एफ ए निकालो, चलो एफ ए मतलब जीरो, एक की वैल्यू क्या है जीरो, तो एफ जीरो कितना गया एक्स की जगह जीरो, ए की पावर जीरो आ जाएगा तो कितना आ गया ये वन आ गया, एफ जीरो कितना आ गया वन आ गया। चलिए अब क्या निकालेंगे एफ ए प्लस एच, तो चलो यहां से निकालते हैं एफ ए प्लस एच, ए की वैल्यू कितनी है जीरो, जीरो प्लस एच मतलब एफ एच कितना आएगा निकल के एच प्लस ए की पावर टू एच, ऐसे ही एफ ए प्लस टू एच मतलब एफ टू एच कितना निकल के आएगा टू एच ए की पावर फोर एच, वेरी गुड। अब ऐसे ही लास्ट वाला निकाल देते हैं यहाँ पे एफ ए की जगह क्या रख दो जीरो रख दो, तो एन माइनस वन एच कितना आएगा एन माइनस वन एच प्लस e की पावर 2h n माइनस वन, कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू है x जहां जहां देखे वहां लिख दो। अब इन सबको क्या कर दो सम, तो चलिए लिमिट h टेंस टू जीरो h एफ ए मतलब ये कितना आ गया वन प्लस h प्लस e की पावर 2h प्लस 2h प्लस e की पावर 4h और ये कितना निकल गया आएगा हमारे पास n माइनस वन एच प्लस e की पावर टू एच एन माइनस वन। चलिए अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से ध्यान से, अब एक बात सुनो यार, एक बात सुनो, हर जगह हम देख रहे हैं कि e की पावर है, तो क्या इस वन को भी e की पावर जीरो लिख सकते हैं? यस, ठीक है थोड़ा फील आएगा। चलो अब देखो सुनो सुनो, एच वाले ये एच टू एच और ये एच, इसको एक तरफ इसको एक तरफ इसको एक तरफ, तो देखो लिमिट h टेंस टू जीरो h, तो ये h वाले h कॉमन लेंगे इसमें से, h क्या लेंगे कॉमन लेंगे, अंदर कितना आ जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट 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 n माइनस वन। क्लियर है? अब देखो प्लस, अब सुनो सुनो, e की पावर जीरो e की पावर टू एच, इसको पास पर लिख लो e की पावर जीरो e की पावर टू एच e की पावर फोर एच प्लस e की पावर 2h और ये n माइनस वन, क्या ये जीपी नहीं बन रही है? Yes, या एक काम नहीं जीपी बना लो, बात खत्म करो, कॉमन क्या लोगे इसमें से, तो लिमिट h टेंस टू जीरो h, तो ये h हो गया, इसका फॉर्मूला क्या हो गया n n माइनस वन डिवाइड बाई टू, ये तो फॉर्मूला होता है प्लस yes, अब ये बन गई जीपी, तो जीपी का sn का फॉर्मूला क्या होता है a r n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। चलिए भैया ए कितना ए की पावर जीरो फर्स्ट टर्म, अच्छा आर कितना होता है इसका रेशियो, ए की पावर टू एच और क्या लिखा है एन और लिखा है माइनस वन अपॉन आर कितना है ए की पावर टू एच और माइनस का वन। मुझे नहीं लगता ये थोड़ा सा अलग है अभी तक के क्वेश्चन, देखो बड़ा मजा आने वाला है, ये जो एच है यहां से हटाओ और इसकी चलो, अब एक बात सुनना जरा, अब आप ये मत सोचना कि इसका भी आंसर वन हो जाएगा, नहीं e की पावर 2h माइनस वन अपॉन 2h होता तो बात बन जाती, तो जब 2 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अब ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, ये कि जो पावर यहाँ होती वो यहाँ होनी चाहिए, ठीक है जी। तो चलिए अब देखो कहाँ बेटे ये वाला जो एस था ये मैं यहाँ लेके आ गया, ये कह रहे हो ये एच यहाँ था, हाँ क्या हुआ ठीक है इसे चलो यहाँ से हटा देते हैं, यही तो है कोई बात नहीं, कोई सुनो सुनो सुनो
इसका जो ये है इसका आंसर कितना है n, n माइनस वन अपॉइंट टू, इसका h ये रहा, इसका और ये h बाहर है। अब बताओ, अब आपने मल्टीप्लाई करके h हटा दिया था ना, तो वहां पे भी h स्क्वायर है। मैंने अभी मल्टीप्लाई किया ही कहां है, अच्छा हाँ वो ठीक है समझ गया समझ गया। ये कह रहा है कि जब h इसमें जाएगा उसके बाई तो आप ये हटाएंगे, वो ठीक है, लेकिन मैं समझा रहा था कि अगर यहाँ पर 2h है तो यहाँ पे नीचे 2h होना चाहिए, बात आपकी ठीक है। अब हम लोग अंदर एंट्री करेंगे ना इसकी, चलिए अब आ जाओ। तो लिमिट 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 h टेंस टू जीरो, ये क्या होगा हमारे पास h स्क्वायर और n n n माइनस वन अपॉन टू। चलिए अब h का इस तरह मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो गया, अब ये h हो गया, ये तो e की पावर जीरो लिखो या मत लिखो वन होता है, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारे पास e की पावर टू एन एच माइनस वन अपॉन e की पावर टू एच माइनस वन। अब जो आप बात बोले तो अब मैं करूंगा, ठीक है। ये h यहां से हटाया, ये कहां पे डिवाइड में आया, लेकिन ये क्या था 2h, तो 2 से क्या किया मल्टीप्लाई, 2 से क्या किया डिवाइड, क्या चमका हर्ट्ज, ठीक है जी। चलिए अब ये h स्क्वायर एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा, तो देखो क्या होगा, ये लिमिट h टेंस टू जीरो एन एच और ये क्या हो जाएगा एन एच माइनस एच अपॉन टू, ठीक है जी। अब देखो भैया ये क्या बचा e की पावर टू एन एच माइनस वन अपॉन टू e की पावर टू एच माइनस वन अपॉन टू एच, क्या जमगा, जहां जहां एन एच है वहां क्या पुट कर दो, फोर पुट कर दो, क्या पुट कर दो फोर। तो लिमिट h टेंस टू जीरो फोर फोर माइनस एच अपॉन टू प्लस e की पावर एन एच की जगह क्या आएगा फोर, तो फोर टू जा एट e की पावर एट माइनस वन अपॉन टू, और यार ये तो क्या हो जाएगा हमारा वन हो जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। और ये एच बी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, एच बी क्या हो जाएगा जीरो, हटाओ डायरेक्ट करो इतने पढ़े लिखे तो इतना यार। तो ये क्या हो गया फोर टू जा एट प्लस ई की पावर एट माइनस वन अपॉन टू, अगर एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, बट नहीं इतना ही छोड़, देखो थोड़ा बहुत आ रहा है नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही आएगा, ठीक है ना, देख लो सही से एलसीएम ले, हम नहीं ले रहे एलसीएम, हम नहीं ले रहे एलसीएम, इसमें क्या फाइनली हम लोगों ने यार अचीव कर लिए, बड़े लेंदी क्वेश्चन थे, हो गए सिक्स, मैंने एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया, क्लियर है, ताली मजा क्यों, अरे ताली मजा यार, ताली मजा आ रहा है, पागल हो गया।